रघुनाथ सिंह जी। महाराज। महारानी को उनके पालके तक पहुंचाने में सहायता करो। जो आ गया महाराज। एक ब्रिटिश है सच्चानंद, वो भी एक औरत। आई विल किल यू बट ऐसे नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। थोड़े क्रांतिकार होने का राज गंगाधर राव के सामने लाऊंगा बहुत जल्द। था ना तो वो माध्यम नहीं है। महाराज गंगाधर राव की जय। अब हमें चलना चाहिए। महाराज गंगाधर राव। रघुनाथ सिंह जी। महाराज। तंवर सिंह को कल दरबार में पेश किया। जो आ गया महाराज। महाराज आज आपने एक मिसाल कायम की है। ये तो एक राजा का परम कर्तव्य होता है महारानी। महाराज हम इसकी बात नहीं कर रहे थे। क्या कहना चाह रही हैं आप? आज आपने झूला बहुत अच्छा झुलाया था। क्षमा कीजिए महारानी, वचन के अनुसार संपूर्ण दिवस आपके साथ हमें व्यतीत करना था, परंतु महाराज राजधर्म सर्वोपरि होता है और एक कुशल शासक के हृदय में सदैव प्रजा का हित होता है। प्रजा है तो हम है। पधारे महारानी। महाराज गंगाधर राव की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महाराज गंगाधर राव की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महाराज गंगाधर राव की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महाराज गंगाधर राव की जय। सर इंडियन प्रिजनर्स आ गए। लड़ी रात तो हमारे टॉर्चर के आदि है, शेर तो आपके ग्रिप से छीन लिया गया। I'm sorry, sir. Queen of Jhansi has proved herself that she is dynamic. हम अंग्रेज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आ!
क्वीन ऑफ झांसी, क्रांति गुरु लक्ष्मीबाई, आई विल किल यू, इट्स अ प्रॉमिस टू मायसेल्फ, बट ऐसे नहीं. I know how. बहना आप चुप रहे, बैठिए. आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो. हमारी चिंता छोड़िए भाव, बैठिए. कितनी बुरी तरह घायल किया इन धूर्त फिरंगियों ने. कष्ट हो रहा है ना? ये कष्ट कुछ भी नहीं है बहन, बस उलझन इस बात की है कि बड़े दरबार में महाराज के सामने हम क्या उत्तर देंगे. समर भाव, जो सत्य है कह दीजिएगा. नहीं बहन, आपको लांछित होने से पहले मैं मर जाना पसंद करूं. चुप रहिए समर भाव. समर भाव, झूठ से क्षणिक सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा, परंतु सच तो सच होता है ना? नहीं बहन, जब से आपने मुझे नया जीवन दिया, मेरा रोम रोम आपका ऋणी, उसे चुकाने के बजाय आपको और विपत्तियों में डाल दें. नहीं, सब ठीक हो जाएगा समर भाव, बस साहस रखें, यही हमारी धरोहर है. यदि इस प्रकार आप हिम्मत तोड़ देंगे तो हम इन धूर्त फिरंगियों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, सब अच्छा होगा. क्या कर रहे हैं समर भाव? अपने ईश्वर की आराधना. रघुनाथ सिंह जी महाराज, आरोपी को प्रस्तुत किया जाए. सैनिकों, समर सिंह को पेश किया जाए. रघुनाथ सिंह महाराज, आरोप पत्र पढ़ा जाए. आरोपी समर सिंह पर आरोप है कि झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से लूटमार और डाके डाला करता था. इसका आतंक इतना बढ़ गया था कि महारानी के काफिले पर कातिलाना हमला करने की भी चेष्टा की. और जघन्य कांड तो ध्वज खेल में मैदान में बारूद बिछाकर महाराज की हत्या का भी प्रयास किया था. इन्हीं अपराधों के कारण फोर्ट विलियम के प्रशासनिक अधिकारी टीएन मार्शल ने सरेआम मृत्युदंड देने की घोषणा की थी, ताकि अन्य आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति कभी यह जघन्य अपराध करने का दुस्साहस ना कर सके.
महाराज, यदि आज्ञा हो तो इन आरोपों के विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य, हम आपके विचार अवश्य सुनेंगे महाराज। महाराज, ये केवल आरोप है और संसार के किसी भी न्यायपालिका में आरोपी को तब तक दंडित नहीं किया जाता जब तक उस पर लगा आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झांसी राज्य के सर्वोच्च दंडाधिकारी आप हैं। इन फिरंगियों को दंड देने का अधिकार किसने दे दिया? हम महारानी के तर्क से सहमत हैं। आरोप सिद्ध होने पर योग्य दंड भी देंगे। योर मैजेस्टी। समर सिंह, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है? अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। महाराज, हम पर आरंभ के सारे आरोप सत्य हैं। मैं डाके डालता था, साहूकारों को भी लूटता था, और यह भी सच है कि हमने महारानी के काफिले पर हमला किया था। परंतु महाराज, जिस प्रकार सप्तऋषि ने वाल्मीकि को बदला था, उसी प्रकार एक महान व्यक्तित्व ने हमें अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने की ऐसी प्रेरणा दी कि हमें अपना पिछला जीवन तुच्छ लगने लगा। कौन है वो महान व्यक्तित्व? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। आज आपका सेवक समर सिंह बिल्कुल बदल चुका है, परंतु हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे जो हमारी धरती मां को 100 सालों से लूटते आए। Sorry, Your Majesty. The court hasn't been called to praise somebody. It's to prove that Samar Singh is a culprit. आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा मिस्टर मार्शल। अपनी जगह पर बैठ जाइए। परंतु तुम पर जघन्य आरोप है कि ध्वज खेल के मैदान में तुमने बारूद बिछाकर हमारे प्राण लेने का षड्यंत्र रचा था। महाराज, ये आरोप आधारहीन है, क्योंकि ध्वज खेल से एक दिन पूर्व ही मार्शल ने मुझे आपके कारागार के पास ही बंदी बना दिया था। तो फिर हम ध्वज खेल के मैदान में बारूद कैसे बिछा सकते थे? Your Majesty, he's a liar. मैंने इसे झांसी जेल के पास से नहीं बल्कि कहीं और से अरेस्ट किया था। And by the way, इसे पूछिए कि ये झांसी जेल के पास क्या कर रहा था। He's a liar. मैंने इसे झांसी जेल के पास से नहीं
बल्कि कहीं और से अरेस्ट किया था। और बाय द वे, इसे पूछिए कि ये झांसी जेल के पास क्या कर रहा था। बताओ समर सिंह, तुम हमारे जेल में क्यों गए थे? उत्तर दो समर सिंह। यह सत्य है महाराज कि हम आपके कारागृह में क्रांति गुरु को छुड़ाने गए थे। जिसने न केवल आपका चुराया हुआ खजाना लौटाया बल्कि आपको भी मृत्यु के मुंह से बचाया था। इसका अर्थ यह है कि तुम हमारे बंदी गृह में क्रांति गुरु को छुड़ाने के लिए आए थे। जी महाराज, और हम उन्हें छुड़ा भी देते, परंतु साहसी वीरांगना ने आपको दिए हुए वचन के कारण हमारे साथ बाहर जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया, और हमारे बाहर निकलते ही मार्शल ने हमें धोखे से बंदी बना दिया। यो मजस्ते, इसकी बात में कितनी सच्चाई है इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही विटनेस है। और वो है क्रांति गुरु। अगर वो आपके सामने इस खर्च में आ गया तो इसका झूठ आपके सामने खुल जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर मार्शल, भरे दरबार में और ध्वज क्रीड़ा के मैदान में क्रांति गुरु ने हमें अत्यंत प्रभावित किया। सत्य और न्याय के लिए उसे हमारे दरबार में आना ही पड़ेगा। रघुनाथ महाराज, पूरे झांसी में यह घोषणा कर दो कि 24 घंटे के अंदर साक्ष्य के साथ क्रांति गुरु को हमारे दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। और यदि वो नहीं आती तो समर सिंह को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। Come on, brave girl. अब तो क्रांति गुरु बन कर आना ही पड़ेगा, अपने भाई को बचाना है ना। मैं तुम्हारी ड्यूअल आइडेंटिटी का राज गंगाधर के सामने रिवील करके ही रहूंगा। Come what may.